नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने ऑप्टिक्स के बेसिक्स को डिस्कस किया और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। जब भी आपके सामने वर्ड इंटरफेरेंस आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, वो है कि वेव्स का एडिशन हो रहा है, दो वेव्स ऐड हो रही हैं। तो इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दो तरीके इंटरफेरेंस को स्टडी करने के होते हैं। जैसे कि अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल से समझें तो पिछली क्लास में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें हमने क्या किया था, एक लाइट सोर्स लिया था जिसने लाइट एमिट की और दो स्लिट्स पर जाकर इस वेव फ्रंट की ये दो पॉइंट फर्दर एक सोर्स बन रहे हैं फर्दर डिस्टर्बेंसेस के। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो एक वेव फ्रंट था वो दो वेव फ्रंट्स में डिवाइड हो गया और ये जो वेव फ्रंट्स बने हैं इन्हीं के एडिशन से यहां पर जो भी आपका पैटर्न बन रहा है उसको हमने ऑब्जर्व या स्टडी किया था। तो कहने का मतलब यहां पर एक ही वेव की दो वेव बनी। कैसे बनी? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसी को हमने इस स्क्रीन पर ऐड किया और जो पैटर्न बना उसको हमने एक्सप्लेन किया। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के डिवीजन से होने वाला इंटरफेरेंस। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, उसमें हम क्या करेंगे, वेव फ्रंट डिवीजन का मेथड यूज नहीं करेंगे बल्कि डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड का मेथड यूज करेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? यहां पर मान लीजिए कि पहले समझते हैं, यह आपका एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब पे आपकी लाइट रेज इंसिडेंट कर रही हैं, पार्शियल उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, आपने ये एग्जांपल देखा होगा कई बार, जो आपके विंडो के शीशे होते हैं उसमें आपको अपनी शक्ल भी दिखती है और विंडो के आर पार जो चीज रखी है वो भी दिखती है। जो आपको अपनी शक्ल दिखती है वो दिखती है रिफ्लेक्शन के कारण, और जो शीशे के पार जो चीज रखी है वो दिखती है आपको रिफ्रैक्शन के कारण। तो कहने का मतलब है, कोई भी मटीरियल अगर आपको गिवन है तो उससे पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक लाइट इंसिडेंट कराई है, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर गई और पार्शियली यहां पर ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट कर गई। तो यहां पर जो इंसिडेंट वेव थी उसका एम्पलीट्यूड यदि ए आई है तो जो रिफ्लेक्टेड और जो ट्रांसमिटेड वेव्स गई उनका एम्पलीट्यूड इससे कम होगा, या कहें अगर इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 10 तो हो सकता है कि इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 6 और उसकी वैल्यू 4। ये एम्पलीट्यूड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होती वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाई इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड होती उसका हो जाता ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस सम फेज डिफरेंस। कहने का मतलब जो एम्पलीट्यूड था वेव का वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड और एक रिफ्रैक्टेड। इसी मेथड को हम बोलते हैं स्टडिंग इंटरफेरेंस बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का ये केस हमने डिस्कस किया जिसमें हम इंटरफेरेंस को डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के जो आपका तरीका है उससे समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने इस लेक्चर का डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस दो तरीके से होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब पानी की सतह पर कोई अगर तेल की सतह आ जाए, पानी की सतह पर तेल गिर जाए, बिखर जाए,
तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो वो इसी जो आप आज पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इसी कारण से होता है। आप मान लीजिए आपकी एक वाटर की लेयर, ये नीचे पानी की लेयर है, ये इस तरीके से नीचे आपकी पूरी पानी की लेयर है यहां तक, इसके ऊपर जो तेल बिखरा है उसकी लेयर ये मैंने दिखाई है आपको मैग्नीफाई करके, बहुत पतली सी लेयर बनेगी और इस लेयर के कारण इंटरफेरेंस हम स्टडी करेंगे। तो इस जो आपकी ऑयल की परत है उसके कारण कलर्स कैसे प्रोड्यूस हुए, ये हम इस टॉपिक के एंड में या फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इस लेयर के कारण इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है इस बात को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यह आपकी पानी के ऊपर एक ऑयल फिल्म है, इस फिल्म की थिकनेस टी है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस पर एक रे वन जिसका की जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा है इंसिडेंट हुई, नॉर्मल से एंगल आई बनाते हुए इस रे वन का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और दूसरा पार्ट रिफ्रेक्ट हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर था। अब यहां से जो रे थ्री बनी, रे थ्री बी पॉइंट पर स्ट्राइक करी और यहां से फिर से उसका एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया और एक पोर्शन रिफ्रेक्ट हो गया। अब जो रे फोर है उसका पॉइंट सी पर दो पार्ट में फिर से ब्रेक हुई, वो एक रे सिक्स बनी जो कि यहां से रिफ्रेक्टेड रे है और एक रे सेवन बनी जो यहां से रिफ्लेक्टेड रे है। तो कहने का मतलब है कि रे वन आपकी पार्ट्स में ब्रेक करती हुई दो पार्ट इसके वापस टू और सिक्स इस साइड वापस आपके ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट, रिफ्रेक्ट आप कुछ भी बोलिए, इस मीडियम से इस साइड आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए आप, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ टू वेव्स। तो यहां पर जैसे वहां पे वेव फ्रंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ था, यहां पे आपका ये रे है एम्पलीट्यूड वाइज दो पार्ट में ब्रेक हो गई, बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो गई पर ये दो पार्ट हमारे काम के हैं। यहां पर जो ये पोर्शन की दो रेज आई, इनको यदि मैं ऐड करूं तो ये ब्राइट स्पॉट बनाएंगी या डार्क स्पॉट बनाएंगी किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनके पाथ डिफरेंस पर, कि दो वेव्स या दो रेस का पाथ डिफरेंस यदि लेमडा है तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, टू लेमडा है, थ्री लेमडा है, फोर लेमडा है, तो सब केसेस में वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और एक ब्राइट स्पॉट बनाती हैं। तो यहां पर देखिए पॉइंट ए तक दोनों रेज ने सेम पाथ ट्रेवल किया है, लेकिन इसके बाद रे टू इस साइड मुड़ गई और रे जो सिक्स है वो यहां से होती यहां ट्रेवल कर गई। अब यहां से यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सी से रे टू पर और ये पॉइंट आपका डी हो, तो आप ध्यान से देखिए पाथ डिफरेंस क्या बना, जितने टाइम में वन यहां से यहां आई इतने ही टाइम में जो रे सिक्स है वो यहां से होते हुए यहां पहुंच गई और उसके बाद दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल करती हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, रे वन जब यहां से यहां आई पॉइंट ए पर, जब वो ए से डी तक पहुंचती है उतने ही टाइम में रे सिक्स इस साइड ट्रेवल करके सी पॉइंट पर आ जाएगी। अब रे टू और रे सिक्स के बीच में पाथ डिफरेंस है, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी, ये आपका पाथ डिफरेंस है। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, आपका ऑप्टिकल लेंथ, ऑप्टिकल पाथ, ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे का डिस्कशन करने से पहले ये वाली चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। यहां पर आप ध्यान से देखिए,
आपकी जो रे टू है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन है एयर, उसमें ट्रेवल कर रही है, और जो सेकेंड रे है या मतलब सिक्स रे है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वाले मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, अगर दो एथलीट हैं आपके पास, दो एथलीट को आपने सेम ट्रैक पे दौड़ाया, तो जो एथलीट फास्ट था वो फिनिशिंग लाइन को पहले टच करेगा, और जो थोड़ा स्लो है उससे वो पीछे रह जाएगा। तो जो वो पहले वाला फिनिशिंग लाइन को टच कर रहा है, उनके बीच में जो पाथ ट्रेवल्ड है वो पाथ डिफरेंस कहलाएगा। इतना क्लियर है? लेकिन अगर एक एथलीट को आपने ट्रैक पे दौड़ाया और दूसरे एथलीट को आपने पानी के अंदर दौड़ाया, पानी घुटनों तक है, उस पानी में वो एथलीट दौड़ा है, तो कितना भी तेज एथलीट क्यों ना हो, जो सिर्फ ट्रैक पर दौड़ा है वो आगे जाएगा और जो पानी में दौड़ा है वो पीछे रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो एथलीट्स को आपको कंपेयर करना है कि वो कितना पाथ डिफरेंस उनमें क्रिएट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम ट्रैक पर दौड़ाना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग ट्रैक पर दौड़ाओगे और फिर कहोगे कि ये तेज है, तो वो सही तरीका नहीं है उनको कंपेयर करने का। तो सिमिलरली यहां पर रे टू तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है, और जो रे सिक्स है वो एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू के मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो इनके पाथ डिफरेंस को डायरेक्टली हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बात उनको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये एक टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, एक रे पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करती है, तो कितना पाथ ट्रेवल कर लेगी, पाथ तो टी ट्रेवल करेगी, लेकिन ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है, आप मान लीजिए ये रे ए से बी आने के लिए इसने टाइम टी लिया, टाइम टी लिया, तो जितना टाइम ये ए से बी ट्रेवल करने में लेती है, उतने ही टाइम के लिए यदि मैं इस रे को आपके एयर में ट्रेवल कराऊं, तो जितना पाथ वो ट्रेवल करेगी वो उसका ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी एक वेव या रे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और टी डिस्टेंस, स्मॉल टी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने कैपिटल टी टाइम लिया, तो इतने ही टाइम के लिए यदि मैं उसको वैक्यूम में ट्रेवल करवाता, तो जितना पाथ वो चलती वो उसका ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। तो यहां पर देखिए आप, अगर ये यहां से यहां चलती है, टाइम टी लगता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है टी, स्पीड कितनी है इसकी वी मान लीजिए, ये टाइम है, इतने टाइम के लिए यहां ट्रेवल करी, और अगर इतने ही टाइम के लिए उसको मैं एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल कराऊं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो एक्स हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ रे इन वैक्यूम इज सी एंड टाइम टेकन इज टी बाय वी। ये हो गया आपका ऑप्टिकल पाथ। अब यहां पे ध्यान से देखिए आप, c बाय v और t, हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के को डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो c बाय v आपका म्यू हो जाएगा, तो रिफ्रेक्टिव सॉरी ऑप्टिकल पाथ आपका म्यू t हो जाएगा। दिस इज ऑप्टिकल पाथ। तो जब भी आपको किसी भी रे का ऑप्टिकल पाथ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जिस भी मीडियम में उसने अगर टी थिकनेस ट्रेवल करी है, टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसके अंदर आप उस
मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा। क्लियर है? अगर वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 के मीडियम में ट्रेवल करती तो आपका ऑप्टिकल पाथ होता 1 into t। सिंपल पाथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहां पर एक ही बात समझी कि जो ऑप्टिकल पाथ है उसका फॉर्मूला बनता है μ into t। अगर म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मीडियम में वो टी लेंथ ट्रेवल करती है तो उसका ऑप्टिकल पाथ μ t होता है। तो अब से आज के बाद हम जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे तब हम पाथ डिफरेंस नहीं बल्कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। इससे पहले हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हम पहले सिंपल मेथड से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको उसकी डिटेल्स में उसको फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाते चलते हैं। तो आज के बाद पाथ डिफरेंस नहीं, आप ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की बात करोगे। तो रे नंबर 6 आपकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसमें ट्रेवल की है तो जो उसका एक्चुअल पाथ है उसके अंदर आप म्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो ए डी है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 के मीडियम में चली है तो आप उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब इस ए बी बी सी और ए डी को हम जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। हमें लिखना है ए बी, ध्यान से देखिए आप, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए बी कोस आर विल बी टी। जो ए बी का ये वाला कंपोनेंट है वो आपका टी के बराबर होगा। तो ए बी कोस आर इक्वल टू टी, देयरफॉर टी विल बी सॉरी ए बी विल बी इक्वल टू टी बाय कोस आर। ए बी इज टी बाय कोस आर। यहां पर ए बी और बी सी सिमेट्रिक हैं तो जो ए बी की लेंथ है वही बी सी की भी होगी। ओके, बी सी यहां मैं लिख सकता हूं ए बी, या आप अलग से लिख लीजिए, बी सी इज इक्वल्स टू टी बाय कोस आर। इन दोनों वैल्यूज को हम वहां पुट करेंगे, ए बी और बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकालनी है ए डी की वैल्यू। ए डी है हमारी ये। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए से पहले मैं ए सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, और ए सी की से भी पहले ए सी का मिड पॉइंट मैंने एम मान लिया। तो ये जो ए एम है इसकी वैल्यू कितनी होगी? ए एम ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ए एम विल बी इक्वल टू ए बी का कॉम्पोनेंट साइन आर। ए बी साइन आर, और ए बी यहां से हमने कितना निकाला? टी बाय कोस आर। तो ये आपका हो गया टी बाय कोस आर इंटू साइन आर। जितना ए एम है उतना ही एम सी होगा, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आपका ए सी हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू टू टी डिवाइड बाई कोस आर इंटू साइन आर। ए सी हमने निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए आप, ये एंगल यदि आई है तो ये एंगल भी आई होगा। अगर ये एंगल आई है और ये कंप्लीट 90 डिग्री है तो ये वाला 90 माइनस आई होगा, ये वाला 90 माइनस आई होगा। तो ये पूरी जो ट्रेंगल है ए डी सी, ये एंगल आपका आई हो जाएगा। मैं यहां इस ट्रेंगल को दोबारा बना रहा हूं, ट्रेंगल ए डी सी, दिस इज 90 डिग्री,
दिस इज एंगल आई। अगर ये आई है और ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 90 माइनस आई, और इन तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा, तो वहां से निकल के आएगा ये एंगल आपका आई है। अगर आपका ये एंगल आई है तो ए डी की वैल्यू ए सी साइन आई हो जाएगी, क्योंकि ए सी का कोस कंपोनेंट तो ये होगा और ए सी का साइन कंपोनेंट ए डी होगा। तो आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू ए सी साइन आई। अब ए डी आपका कहां गया, सॉरी ए सी, ए सी ये रहा, ए सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2t by cos r sin r into sin i। अब देखिए यहां पर भी r की टर्म में है तो आप उसको भी r की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां से हम sin को जो i एंगल है उसको r में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाइए, पॉइंट a पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप कहेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज 1 इंटू साइन आई इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इंटू साइन आर। तो साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू साइन आर। आप इसको यहां पुट करेंगे तो ए डी हो जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू 2t कोस आर साइन आर। देखिए यहां पे म्यू साइन आर आ रहा है तो म्यू मैं यहां लिख रहा हूं और साइन स्क्वायर आर आपका यहां बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब हमने जो इस इक्वेशन में ए बी बी सी और ए डी चाहिए वो तीनों अलग अलग निकाल लिए हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 इन दिस पाथ डिफरेंस इक्वेशन। अगर इसमें आप पुट करेंगे तो आप कहाँ रब करें, हम ये पोर्शन अब रिक्वायर्ड नहीं है, यह आप यहां भी लिख सकते हैं। पाथ डिफरेंस ए बी इज, देखिए ए बी क्या है टी बाई कोसार, बी सी क्या है टी बाई कोसार, तो ये 2t कोसार हो गया और साथ में म्यू मल्टीप्लाई है तो आप बोल सकते हैं इसको 2μt by cos r। सेकेंड टर्म सिर्फ AD को आप डायरेक्टली वहां पुट करेंगे क्योंकि बाकी मल्टीप्लाई आपका 1 है, तो ये हो जाएगा 2μt sin स्क्वेयर r by cos r। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो आप 2μt cos r को कॉमन निकाल सकते हैं, 2μt by cos r 1 minus sin square r which is cos square r, और cos square r से cos r कट जाएगा, ये बच जाएगा 2μt cos r। ये आपका पाथ डिफरेंस निकल के आता है रे 2 और 6 का, 2 और 6 रे में इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये तो आपका पाथ डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला निकल के आया। इससे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इस केस में आपका यूज होता है, वो क्या है ध्यान से देखिए, जब भी रे आपकी रिफ्लेक्ट करती है, जब भी रिफ्लेक्शन होता है और यदि वो रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो उसका फेज चेंज होता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है अगर मान लीजिए ये एक दूसरा मटेरियल है, ये दूसरा, ये एयर है,
यहां एयर से एक वेव ट्रेवल कर रही थी इस मीडियम की तरफ, या आपका कोई भी ग्लास या कुछ भी मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहां से डिफरेंट है, तो अगर सामने वाला मीडियम डेंसर है, ये रेयरर है, तो जैसे ही वो रे वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, तो अगर उसका उस पॉइंट पर मैक्सिमा है तो वो रिफ्लेक्टेड रे तुरंत मिनिमा अचीव कर लेगी और फिर वापस इस डायरेक्शन में इस तरीके से आएगी। तो कहने का मतलब है, फेज चेंज होने का मतलब है कि जो वेव इक्वेशन है आपकी उसमें सीधा पाई का फेज चेंज हो जाएगा, आपका फेज में या तो पाई ऐड हो जाएगा या पाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फेज चेंज ऑफ पाई। और एक बात आपको ऑलरेडी पता है, अगर फेज चेंज पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 के इक्विवेलेंट होगा। ये बात क्लियर आपको कि जब भी एक रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे एक का एक फेज चेंज होता है और उस फेज चेंज के इक्विवेलेंट आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होता है। सिमिलरली अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन आपकी जो रे है या वेव है डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है, तब आपका फेज चेंज नहीं होता और ना ही आपका इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस आएगा। और अगर बात करें रिफ्रेक्शन की, रिफ्रेक्शन में चाहे कोई भी केस हो फेज चेंज नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है, इसके पीछे की बेसिक फिजिक्स के आई आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा और रे आपकी रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रेवल कर रही होगी, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर सामने वाला पहलवान भारी है, अगर उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आपको पटक देगा या उल्टा लटका देगा। उल्टा लटकाने का मतलब है आपका फेज चेंज कर देगा और फेज चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है। इस बात का हम यहां कैसे यूज करेंगे? आपने इन दोनों का सिर्फ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाला है, लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन अकर हुए हैं, उनके कारण क्या हो सकता है? आपका फेज चेंज भी तो हो सकता है बीच में। ध्यान से देखिए, रे वन आई, ये एयर है, रेयर मीडियम सामने वाला डेंसर है और यहां रिफ्लेक्शन हुआ, तो इसका मतलब रे टू ने अपना फेज चेंज कर लिया और उस फेज चेंज के कोरस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा बाय 2 का है। अब रे 6 पे आते हैं, रे 6 यहां से रिफ्रेक्ट हुई है, रिफ्रेक्ट में कोई फेज चेंज नहीं होता। फिर रे 3 बनी, रे 3 यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन रे 3 आपकी ट्रेवल कैसे कर रही थी? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही थी, इसलिए यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ। देखिए, डेंसर से रेयरर फेज चेंज नहीं होता। यहां से रिफ्लेक्ट हो गई 4th, आगे सी पॉइंट पर रिफ्रेक्ट की, रिफ्रेक्ट तो कोई फेज चेंज होता ही नहीं है। तो इसका मतलब रे 6 ने तो कोई फेज चेंज नहीं किया, लेकिन रे 2 ने फेज चेंज किया है और उस फेज चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो इसका मतलब जो हमने पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाला, उसमें लैम्डा बाय 2 का टर्म और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपका इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो निकल के आता है 2 म्यू टी कोस आर माइनस या प्लस लैम्डा बाय 2। आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, उस बात से अंतर नहीं पड़ता। तो ये आपका इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आया। अब यदि आपको लिखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप लिखेंगे दिस डेल्टा एक्स 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाय 2 शुड बी इक्वल टू एन लेमडा।
और यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखना है इंटरफेरेंस विल बी 2μt cos r माइनस लेमडा बाई 2 एन प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं आप माइनस कर दीजिए आसानी रहेगी माइनस हाफ लेमडा। तो हमने डिस्कस किया है यहां पर इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म दो प्रकार से हो सकता है रिफ्लेक्शन से भी और रिफ्रेक्शन से भी। यहां पे हमने रिफ्लेक्शन वाला डिस्कस किया है जो दो रेज अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई उनको हमने वेव्स को ऐड करने का प्रयास किया और वहां से हमें पता लगा कि उनका पाथ डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या रिलेशनशिप आता है। इतना आपको क्लियर है। अब यदि हम यहां पर देखिए एक लेंस लगाया गया है जो दो रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई हैं उनको हम इस लेंस से कन्वर्ज कराएंगे और वो ऐड हो जाएंगी तब हमें ब्राइट या डार्क स्पॉट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है जैसे दो रेज यहां पर रिफ्लेक्ट कर गई थी ये दो रेज बाहर निकल आई हैं। अब यदि इनका आपको पाथ डिफरेंस लिखना है आप देखिए ध्यान से रे वन यहां तक तो सेम है रे वन से रे थ्री बनी। अब रे थ्री के दो पार्ट हो गए एक यहां से यहां तक आया और एक यहां से यहां तक आया। जितनी देर में बी से ये रे यहां से यहां घूम के आएगी तब तक बी ये वाली रे कुछ आगे चल चुकी होगी। यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इसके बाद दोनों रेज का पाथ सेम होगा। अब हमें निकालना है पाथ डिफरेंस बिटवीन रे फाइव एंड रे एट। पॉइंट बी तक तो दोनों का पाथ सेम है यहां पर अंतर आया है तो यदि ये टी बाई कोस आर थी तो ये भी टी बाई कोस आर होगी ड्यू टू सिमेट्री। ये भी टी बाई कोस आर होगी तो टू टी बाई कोस आर हो जाएगी इंटू म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू म्यू टी कोस आर इसका पाथ हो जाएगा। सिमिलरली बी डी बी डी में सारा मैथमेटिक्स वही लगेगा जो वहां लगा था वहां से वही बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसमिशन के केस में आपका पाथ डिफरेंस वही निकल के आता है टू म्यू टी कोस आर। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा। अब जैसे यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा माइनस लैम्डा बाई टू ऐड हो गया था देखते हैं यहां पर ऐड होता है कि नहीं होता। आप देखिए ध्यान से बी तक तो दोनों रेज सेम है बी पे इसका रिफ्लेक्शन हो गया रे फोर चली गई लेकिन सामने वाला रेयरर है डेंसर नहीं है तो यहां पर आपका फेज चेंज नहीं होगा। अब रे फोर आगे चली गई तब भी वो डेंसर से रेयरर की तरफ ट्रेवल कर रही थी तो यहां पर भी कोई फेज चेंज नहीं होगा। इसके बाद तो वो रिफ्रेक्ट करी है रिफ्रेक्शन में फेस चेंज होता ही नहीं है और जो आपकी तीन से पांच बनी है वहां भी रिफ्रेक्शन हो रहा है तो कोई फेस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब रे पांच और आठ में रिफ्लेक्शन के कारण कोई फेज चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब हमें उसके ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में कोई एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए कि हमने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया था क्योंकि हमने सिर्फ ऑप्टिकल पाथ निकाला था लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस फेज चेंज के कारण पाथ डिफरेंस आ रहा है वो हमने इस पाथ डिफरेंस में कैलकुलेट नहीं किया था तो आपका इसलिए यहां माइनस लैम्डा बाई टू का टर्म एक्स्ट्रा आता है और यहां पर ऐसा कोई फेज चेंज है नहीं तो ये इस तरीके से आता है। यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि जो आप कंडीशन लिखेंगे उसमें 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू एन लेमडा और जो आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है
उसमें आपका 2μt cos r इक्वल टू n माइनस या प्लस हाफ लैम्डा। तो ये आपकी रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का केस है। यहां पे आप लिख लीजिए ये रिफ्लेक्शन का केस है और इसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं। यहां पे ट्रांसमिशन का केस है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशंस हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, अगर आपका ओब्लीक इंसिडेंस ना हो कि अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता तो आर की जगह आप क्या पुट करोगे, 0 degree एंड कोस 0 इज 1। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा पाथ डिफरेंस का, यहां लिख रहा हूं मैं नॉर्मल इंसिडेंस में, वो बेसिक फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज 2μt। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब नॉर्मल इंसिडेंस में अगर आप रिफ्लेक्शन का केस करेंगे तो यहां पर बस r की जगह 0 पुट करके 2μt माइनस लेमडा बाई 2 एन लेमडा, यहां भी सिमिलरली और यहां भी इसी तरीके से। तो ये हमने इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म देखा। अब इस थिन फिल्म के कारण कलर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं। सेकेंड जो लेक्चर, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इट विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर ओनली। थैंक यू वेरी मच।